भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक दिवसीय कार्यशाला रतलाम जिले के हाट पीपलिया अष्टापद जैन तीर्थ में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाराम जी धाकर, जावरा मंदसौर नीमच सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता एवं मध्य प्रदेश कृषक आयोग अध्यक्ष श्री ईश्वर लाल जी पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कांत सिंह जी, बड़ावदा मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह जी, उज्जैन दुग्ध संघ उपाध्यक्ष देवेंद्र जी शर्मा आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चंपालाल जी मौकड़ी ने किया। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा मोर्चा है, इसकी जवाबदेही भी सबसे ज्यादा है। और अभी देश समाज में अगर हम चिंतन मनन करें तो सबसे अधिक ध्यान भी किसान मोर्चे पर है देश का। हम सब जानते हैं कि बहस बहुत सारी चलती है, लेकिन हम जितने कार्यकर्ता यहां बैठे हैं ये सारे पदाधिकारी हैं। और चाहे लाख कह दें कि हम कार्यकर्ता हैं, हरिराम जी बैठे हैं, अगर हरिराम जी कहें कि मैं कार्यकर्ता हूं तो ये यहां तो ठीक लग रहा है, लेकिन हरिराम जी गांव में, आप जिस गांव में रहते हैं लोग आपको क्या कहते हैं? नेताजी ही कहते हैं। तो ये सारे नेता हैं। और नेता की एक खासियत होती है कि वो निराश नहीं होता है, नेता हमेशा आशावादी रहता है, वो लड़ना जानता है, जूझना जानता है। अभी जैसे जितेंद्र जी का नाम आया तो विकास में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक, क्यों लेता है नाम आदमी नेता?